दोस्तों, सलमान खान का ईद पर आना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण घटना रही है। हालांकि दोस्तों, पिछली दो ईद में भाई को ईदी नहीं मिल पाई थी, मगर दोस्तों इस बार सलमान खान ने भारत फिल्म के रूप में धमाकेदार एंट्री मारी है। सलमान खान ने दर्शकों को ऐसी ईदी दी है जिसमें दोस्तों प्यार भी है, रोमांस भी है, रोमांच भी है और इसके साथ ही इमोशन भी है। इस फिल्म में दर्शकों के लिए वह सब कुछ है जो भाईजान के चाहने वाले उनकी फिल्मों से उम्मीद करते हैं। दोस्तों, भारत फिल्म की कहानी में हालांकि बहुत ही कुछ पिरोया गया है, लेकिन दोस्तों आज़ादी के बाद से लगभग 70 साल की यात्रा में बहुत कुछ घटित होता है जिसे फिल्म में दिखाया गया है। देश के बंटवारे की दर्दनाक यादें, लड़खड़ाते हुए एक नवोदित देश की अपने पाँव पर खड़े रहने की कोशिशें और लास्ट में आधुनिक भारत का अपने पैरों पर खड़े होना, इन सब को अली अब्बास जफर ने बहुत ही खूबसूरती से फिल्म में समेटा है। दोस्तों, भारत बजरंगी भाईजान का विस्तार ही मालूम होता है। ये किरदार मासूम और पवित्र है, इसलिए दोस्तों यह आपके दिल को छू जाता है। सलमान खान जब भी अपने होम प्रोडक्शन में कोई भी फिल्म करते हैं तो दोस्तों यूं लगता है कि इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि फिल्म में समाज के लिए कुछ ना कुछ संदेश जरूर होना चाहिए। दोस्तों, उनकी कुछ फिल्में असफल जरूर हुई, मगर दोस्तों उसमें भी आप देखेंगे तो ईमानदार फिल्म मेकर की नीयत उसमें साफ तौर पर नजर आती है। अब दोस्तों, अगर फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो ये फिल्म एक एक्टर के रूप में सलमान खान की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में दोस्तों वो आपको हंसाएंगे और आपको रुलाएंगे, इसके साथ ही दोस्तों कई बार उम्मीद से परे जाकर आपको चौंका भी देंगे। दोस्तों, कैटरीना कैफ के एक्टिंग के लेवल पर ये सबसे बेहतरीन फिल्म है। सुनील ग्रोवर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अब दोस्तों, टेक्निकल लेवल पर बात की जाए तो फिल्म की सिनेमाग्राफी कमाल की है। फिल्म के एडिटिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा लालच छोड़कर लगभग 15 मिनट की फिल्म एडिट और कर देते तो शायद अच्छा होता। दोस्तों, कुमुद मिश्रा को ज़्यादा मिनट तो नहीं, मगर जितना उनके हिस्से में आया उन्होंने साबित कर दिया कि अच्छा अभिनेता क्या होता है। और दोस्तों, तब्बू फिल्म में दो सीन के लिए आती है मगर फिल्म में जान डाल देती है। बाकी सब कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय दिला दिया। दोस्तों, आर्ट डिपार्टमेंट ने भी उम्मीद से बेहतर काम किया है। कॉस्ट्यूम पर थोड़ी और मेहनत होना बाकी थी। मेकअप डिपार्टमेंट ने बेहतरीन काम किया है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत फिल्म मनोरंजक फिल्म है जो आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है। इस फिल्म का आनंद आप अपने परिवार के साथ भी ले सकते हैं और आप निराश नहीं होंगे।